नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। हर साल की तरह इस साल भी अग्रसेन महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव उमंग बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव उमंग 2019 में महाविद्यालय के सभी संकायों के छात्रों ने एकल और समूह नृत्य के साथ ही नाटक और गायन में भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थीम डांस रहा, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी अपनी प्रस्तुति देते हुए वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर ने की। वहीं अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष शंकर हरि अग्रवाल, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और अग्रसेन शिक्षण समिति के कोषाध्यक्ष अजय दानी, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के सचिव डॉक्टर जेपी अग्रवाल के साथ समाज के वरिष्ठ सदस्य रामदास अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। महाविद्यालय की ओर से सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक गण डॉक्टर आकांक्षा दुबे, प्रोफेसर अभिषेक अग्रवाल ने किया और इसमें प्रोफेसर दीपिका अवधिया सहयोगी रहीं। कार्यक्रम के सफल संयोजन में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों अन्य सभी स्टाफ ने सक्रिय सहयोग दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य युलेंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि उमंग की शुरुआत इस साल बाकी सालों की अपेक्षा कुछ अलग रही। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष उमंग के नाम से हम लोग एक सत्र चलाते हैं, जिसमें 8-10 दिन का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष में हमने उमंग में शुरू में मसार रैली निकालकर दूधाधारी मठ में डॉक्टर साहब जो महंत डॉक्टर जी हैं, उन्होंने हमारे मसार रैली का उद्घाटन किया। उसके बाद फिर कंटिन्यू हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें इंटर कॉलेज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें हमको ताइक्वांडो के लिए स्थान दिया गया था और उसमें 11 महाविद्यालय ने भाग लिया। उसके बाद कंटिन्यू अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, सांस्कृतिक और साहित्यिक और स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई है और आज भी एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, नाटक मंचन का आयोजन किया जा रहा है और हम संपूर्ण कार्यक्रम करके विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, विद्यार्थी लोग बड़ा संजो के रखते हैं और इसके लिए हम लोग अलग से आयोजन 5 फरवरी को करने का निश्चय किया है। उसमें सम्मानजनक रूप से सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण 5 फरवरी को किया जाएगा। आज हमारे यहाँ विशेष रूप से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी के आने वाले थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि उनके स्वास्थ्यगत कारणों से वो नहीं आ पाए और विशेष अतिथि के रूप में श्री रमेश नैयर जी आए हुए हैं। खबर जी न्यूज़ के लिए रायपुर से कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।